हाय एवरीवन, तो फ्रेंड्स देखिए, कोरोना वायरस के संकट काल को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने आज 27 मार्च 2020 को लोन लेने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। ईएमआई चुकाने को लेकर 3 महीनों की छूट और टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट लोन्स पर भी ढील यानी कि रिलीफ दी गई है, जिससे रिलेटेड आप सभी की स्क्रीन पर है यह ऑफिशियल प्रेस रिलीज। लेकिन आपको बता दें कि बहुत से रिलीफ स्पष्ट नहीं है और इन ईएमआई और लोन से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें आप शायद ही जानते हो या आपके पास इससे रिलेटेड शायद ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। तो आरबीआई की तरफ से ईएमआई चुकाने को लेकर दी गई 3 महीनों की छूट और लोन पर दी गई रिलीफ क्या हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, आइए जानते हैं इन्हें हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट इन्फोमीडिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और औरों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल एक्सपर्ट मीडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रेस रिलीज में टर्म लोन को लेकर जो सबसे बड़ा डिसीजन दिया गया है, हम उस पेज पर आ चुके हैं। इस रिलीफ की हेडिंग है मोराटोरियम ऑन टर्म लोन्स, यानी कि टर्म लोन पर रोक। फ्रेंड्स, यहां बताया गया है कि रिजर्व बैंक ने सभी कॉमर्शियल कोऑपरेटिव फाइनेंशियल लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जैसे संस्थानों को ईएमआई पर 3 महीने के मोराटोरियम यानी कि रोक लगाने की अनुमति दे दी है। ध्यान दें कि 3 महीनों की मंथली इंस्टॉलमेंट में यह छूट 1 मार्च 2020 की डेट पर से जो आउटस्टैंडिंग लोन का अमाउंट है उस पर एप्लीकेबल होगी। साथ ही ध्यान दें कि 3 महीने रोक कर ईएमआई पे करने पर रीपेमेंट शेड्यूल और आपके लोन का टेन्योर यानी कि अवधि दोनों ही 3 महीने के लिए आगे शिफ्ट हो जाएंगी। यानी कि आपको लोन तो रीपे करना ही होगा, लेकिन आपको अभी की सिचुएशन में 3 महीने तक आपके बैंक अकाउंट से ईएमआई नहीं कटेगी। बस आरबीआई की यह सुविधा टर्म लोन के लिए दी गई है, जैसे कि होम लोन वगैरह, साथ ही अन्य स्मॉल टर्म लोन्स के लिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो बड़ा डिसीजन लिया गया है वह है डिफरमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज, यानी कि लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आपको जो वर्किंग कैपिटल की फैसिलिटीज दी गई है, जैसे कि कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, उस पर भी जो इंटरेस्ट ड्यू होगा 1 मार्च 2020 पर से, तो उसके इंटरेस्ट पेमेंट को भी 3 महीने के लिए यानी कि टाला जाए यानी कि डिफर किया जाए, इसको लेकर भी आरबीआई ने लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को परमिशन दे दी है। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से फाइनेंशियल मार्केट में किसी तरह की कोई डिप्रेशन ना हो, इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है। और अब फ्रेंड्स, इन डिसीजन से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं जिन्हें आप शायद ही जानते हो। फर्स्ट, यहां आरबीआई ने सभी बैंकों से सिर्फ रिक्वेस्ट की है, परमिशन दी है, यानी कि ऑर्डर नहीं दिया गया है। और अब यह बैंकों पर डिपेंड करता है कि वे इन रिलीफ को कैसे और कितनी जल्दी मानते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई 3 महीनों तक लोन की ईएमआई नहीं भर पाता है तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री पर इसका निगेटिव असर नहीं होगा। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई इस स्कीम का हिस्सा नहीं होंगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पर एक बात फिर से क्लियर करना चाहेंगे कि यदि बैंक आरबीआई के लिए गए इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है तो आपके बैंक अकाउंट से आने वाले 3 महीनों तक ईएमआई नहीं कटेगी। लेकिन इसका मतलब कभी भी यह नहीं है कि 3 महीने की ईएमआई को माफ कर दिया गया है, यानी कि आपको ईएमआई तो पे करनी ही पड़ेगी, केवल 3 महीने की ईएमआई का पीरियड आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आपके लोन का टेन्योर 3 महीने तक और एक्सटेंड हो सकता है। नेक्स्ट, इन रिलीफ के अंडर अगर कोई कारोबारी वर्किंग कैपिटल पर लोन की ईएमआई इंटरेस्ट नहीं चुका पाता है तो उसे डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। साथ ही बता दें कि रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे असर को कम करने के लिए रेपो रेट को 0.75% घटाकर 4.4% करने की अनएक्सपेक्टेड घोषणा की है। और अब जबकि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट्स में ऐतिहासिक और अनएक्सपेक्टेड कटौती की है, तो ऐसे में लोन्स और ईएमआई भी सस्ते होने की उम्मीद है, क्योंकि लोन पर भी इंटरेस्ट की रेट इसी के अकॉर्डिंग कम होने की उम्मीद होती है। तो फ्रेंड्स, अब सब कुछ बैंकों के हाथों में है कि वे किस तरह और कितनी जल्दी साधारण लोगों की इस भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस में मदद कर सकते हैं और कितना सपोर्ट दे सकते हैं। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और सीखने को मिला होगा कुछ नया। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और उनके साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन्हें भी इन अपडेट से अवेयर करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एक्सपर्ट इन्फोमीडिया को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लें। GST, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स और हेल्पफुल एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।